नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। जिला प्रयागराज में तिलाई बाजार मऊआइमा में पुरानी रंजिश को लेकर शुक्रवार 1 बजे दिन में युवक पर खेत में लोहे की रॉड और चाकुओं से हमला कर बेहोश कर दिया गया, जहां हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। मामले की तहरीर पर पुलिस 3 नामजद समेत 2 अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की है। फिलहाल घटना मामले में आरोपी पुलिस की पकड़ से फरार है। बताया जा रहा है कि मऊआइमा के परमानंदपुर निवासी दिलीप कुमार पुत्र राम जतन का आरोप है कि उनका भतीजा जितेंद्र कुमार खेत गया था। आरोप यह है कि उनकी विपक्षी एक राय होकर हाथों में लोहे की रॉड और चाकू लेकर जितेंद्र कुमार पर हमला कर दिए, जिससे वह बेहोश हो गया। जितेंद्र कुमार को पहले स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। दिलीप कुमार पुत्र राम जतन ने मऊआइमा थाने में अभिनव कुमार, अखिलेश कुमार, राम अवध तथा 2 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा मऊआइमा थाने में दर्ज कराई है। समाचार लिखे जाने तक घटना मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस नाकाम रही है। क्या है पूरा मामला बताइए। मामला सर यह है कि वहाँ ग्राम सभा के सामने 1.25 बीघे जमीन है जी, जिसमें उसमें पटेल के भी, यादव के भी पेड़ हैं सर, जो है उसमें लोग क्या कहते हैं, लड़के खेलते उलते थे और साफ सुथरा रहता था सर, और उसमें शादी विवाह का सबका कार्यक्रम होता, पूरे बस्ती का, पूरी बस्ती परेशान है इनसे जो है, ये परिवारों के हैं। जब से सरकारी वकील हाई कोर्ट में हो गए हैं। कौन सरकारी वकील है? राम वाले से। अपने जो है कौन से तकलीफ क्या है आपको सरकारी वकील से? वो जमीन पूरा कब्जा कर रहे हैं, सबके सामने है, हम लोग कह रहे हैं जैसे है वैसे पड़ी रहे जी। उनको है कि ये सब मेरी है, मतलब पूरा स्वभाव भी है, जमीन अकेले कब्जा कर रहे हैं। ये घटना हुई है, कैसी घटना हुई है? घटना जो हुई है 2 बार हो गया सर, जो 2 बार मारपीट हो चुकी साल भर में, 2 तीसरी बार है। धान के खेत में सींच रहा था, चारपाई पे सो रहा था रस, और लोग वहाँ जो है पूरी तैयारी के साथ गए सोते हुए, पर एक एक जोड़ पर किसी जो चोटें आई हैं सर में। किससे मारा गया है इनको? इनको चाकू से भी मारा गया, सर में फटा हुआ है सर, जो है देखिए लग सब लगे हुए हैं। चाकू से मारा गया है इनको? हाँ सर में, सर में, सर सब सर में है सर जो है। अच्छा, आप कौन है? हम नाना हैं। आप माता जी क्या है पूरा घटना बताइए, कैसे इनको चोट लगी है, क्या है? ये खेत में गए हैं जी, ये सींचने गए हैं, ये लेटा रहे हैं जी, सोते में मारे जा रहे हैं, उठ के गए, ये अपने झगड़ में उठे एक बार, एक खेत में गिर गए, ऐसी को कुटाई करेंगे। कैसी घटना हुई है? सर मेरा भतीजा सुबह से 9:30 बजे गया खेत में, खेत खींचने के लिए, मेरा भतीजा सो रहा था वहाँ खींचते थे, तो इनके राम और सर जो सरकारी वकील अपने पद का, कहाँ पे सरकारी वकील हैं? हाईकोर्ट इलाहाबाद वकील है, इसलिए कहते हैं कि हम जो होगा हमारे सब कुछ मारेंगे पीटे भगा देंगे मार के, हम सरकारी वकील हम सब कुछ देख लेंगे। तो अब उनके दोनों लड़के बच्चे ने उसको जानलेवा मारने की धमकी दी, उसके बाद चाकू से मारे, मेरा भतीजा वहाँ पर गिर पड़ा, फिर उसके बाद गाँव के लोग जो वहाँ थे मौजूद थे वो लोग बचाव किए, नहीं उसके बाद मार डालते हैं। अभी तक राम हुआ था यहाँ से, अभी हम इनको किससे मारा गया है? चाकू से मारा गया है, राड से मार दिए हैं। अच्छा, और सर हम विद्यालय से लौट रहे थे, रामोद हमको रास्ते मिले, हमको कह रहे कि साले तुम घर चलो, तुम तुमको जान से मार डालेंगे। कौन कहा आपको? रामोद सरोज ने, सरकारी वकील जो है वो हमेशा, और तीसरी बार मारने मारे हैं सर। तो इसकी सूचना आपने दिया पुलिस को? थाना में दिया तो स्विच गैन की रिफर कर दिए कि आप जाइए, वहाँ पुलिस भोज रहे हैं, अब तक वहाँ पर पुलिस भी नहीं गई सर। अच्छा, उनको कोई ऊपर मुकदमा नहीं किया जा रहा है सर, और थाने में ये कहते हैं कि हम सर, वो सरकारी वकील हैं तो अपने पद का क्या करें हम लोग सर, वहाँ जो है अपना पद का रोब दिखा, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और अपना रोब दिखा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई खड़ा होता तो कहते हैं मैं अच्छी हूँ, हाईकोर्ट वकील हम सबको फंसा देंगे। प्रयागराज से कैलाश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।